महाराणा प्रताप बाग रेजिडेंट एंड ट्रेडर्स वेलफेयर फेडरेशन के अनुरोध पर आधार कार्ड विभाग और कोटक महिंद्रा बैंक के सहयोग से आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आधार कार्ड कैंप की विशेषता ये थी कि इसमें कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में सुधार करवा सकता है, जैसे किसी प्रकार का संशोधन या पता बदलना, फोटो बदलना, इस तरह के संशोधित काम के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाराणा प्रताप बाग रेजिडेंट एंड ट्रेडर्स वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष योगेश चड्डा, उपाध्यक्ष नीरज चोपड़ा, महासचिव विकेश मजीठिया सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और लोगों को जागरूक किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में भी समय समय पर इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। ऐसा है जी, ये जो आज आयोजन हमने करा है इसकी डिमांड बहुत सालों से थी, तो आधार जो UID वो है उसके साथ, फिर हमारा जो लोकल MLA है अखिलेश पत्रकार पार्टी उससे, और जो हमारे खुद अपने बैंकर्स हैं कोटक महिंद्रा राणा प्रताप ब्रांच, उनके साथ मिलके सब एक रूप में हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। इसको इसमें इस ये जितने भी करेक्शन अपडेट फोटोग्राफ और वो सब चीज़ें जो भी हो सकती हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। योगेश जी, 10 से लेके 5:30 तक ये कैंप चालू रहेगा। योगेश जी, इस कैंप में क्या सिर्फ राणा प्रताप बाग के निवासी ही भाग ले सकते हैं या कोई किसी अदर एरिया से भी आकर वो अपने दर्शन करा सकते हैं? ये जनरल है भाई साहब, क्योंकि ये तो सरकारी काम है और लोग इसके लिए धक्के खा रहे हैं, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा और हो सकता है कि कल परसों या अगले वीक भी ये रहेगा, ताकि जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक साइट भी थोड़ी सी स्लो चलती है तो एवरेज 15 से 20 मिनट हर उस पर लग जाते हैं, तो इसलिए हम उसको वो करा रहे हैं। ये जो आधार कार्ड का कैंप लगा है ये हमारी RWA शॉपकीपर फेडरेशन की तरफ से लगाया गया है और साथ में हमने कोऑर्डिनेट किया है कोटक बैंक राणा प्रताप बाग और जो जिनके बैंक मैनेजर नितिन जी हैं उनके सहयोग से साथ में हमने ये कैंप लगाया है और हम चाहते हैं कि प्रतापगढ़ के लोगों को चाहे ज़्यादा जो तकलीफ है वो ना हो करके कंफर्टेबली करेक्शन है आधार कार्ड के अंदर या नया कार्ड है या नाम चेंज है या फ़ोन नंबर ऐड करना है, हम चाह रहे हैं कि इजीली उसको अपडेट करा जाए, इसके लिए कैंप लगाया गया। सर, क्या इस कैंप का जो आयोजन किया गया है ये सिर्फ राणा प्रतापगढ़ निवासियों के लिए है या कहीं से भी लोग करा सकते हैं इसमें? नहीं, इसको कहीं से भी लोग करा सकते हैं, प्रतापगढ़ के लोग भी करा सकते हैं और बाहर के लोग भी करा सकते हैं, मगर हमारी प्रेफरेंस है कि हम कोशिश करके इसे मंथ में 4 times या 3 times या 4 times कोशिश करके जितना ज़्यादा कर सके ताकि लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। सर, राणा प्रताप बाग के अंदर महाराणा प्रताप बाग रेजिडेंट और ट्रेडर्स वेलफेयर फेडरेशन की ओर से आज ये जो कैंप लगाया गया है इसकी राणा प्रताप बाग के निवासी पिछले कम से कम 2-3 साल से बार बार हमें एप्लीकेशन दे के बार बार रिक्वेस्ट करके इसको आयोजन करने की एक योजना पे काम करने के लिए कह रहे थे और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधान जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी जी को जिन्होंने इनिशिएटिव लेके लोगों की इस परेशानी को समझते हुए, किसी को अपना नाम चेंज कराना था, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलती, किसी के पते में करेक्शन थी, किसी बच्चों की फोटो चेंज करानी थी जो अब बड़े हो गए, ये फैसिलिटी लोगों को दर दर धक्के खा के ना मिले और अपने कॉलोनी के अंदर बिल्कुल सेंटर गोल चक्कर के ऊपर ये फैसिलिटी आपके घर से 20 कदम पर मिल जाए, इससे बढ़िया फैसिलिटी निवासियों के लिए मैं समझता हूँ हमारी फेडरेशन के हिसाब से नहीं दी जा सकती थी। मैं फेडरेशन के पदाधिकारियों का, फेडरेशन के प्रधान जनरल सेक्रेटरी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनसे निवेदन करूँगा कि आगे भी इस तरह के आयोजन, इस तरह की वेलफेयर की स्कीम्स और उससे जिससे पब्लिक का फायदा हो, उन्हें धक्के ना खाने पड़े, इस तरह के आयोजन करते रहें, इनको वाहवाही मिलेगी और पब्लिक बिल्कुल इससे संतुष्ट है, बहुत खुश है, लोग बहुत तारीफ। हमारा एसोसिएशन हुआ है मजीठिया डेवलपर से और हमारे RWA से, तो उन्होंने कहा कि हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ कस्टमर्स भी हैं, उन्होंने कहा कि आप कैंप लगाइए और उनकी सेवा कीजिए जो भी उनको दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हमारे बैंक ने इनिशिएटिव लिया। हमारे ब्रांच सेल्स मैनेजर का काफ़ी सहयोग है राकेश कुमार सिंह जी, उन्होंने इसको इनिशिएट करा और आज हमने यहाँ पे कैंप लगाया। तो किस तरह का ये कैंप है, किस तरह की सुविधाएं हैं इसमें? इसमें हमारा आधार कार्ड का कैंप है, इसके अंदर किसी को कोई नया आधार कार्ड बनवाना है या उसके अंदर कोई चेंज कराना है जो एग्जिस्टिंग कार्ड है, तो वो सारा यहाँ पे प्रावधान है चेंज कराना। सर, लोगों की सुविधाओं के लिए इधर उधर ना भागें, प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने एक ही जगह के ऊपर एक सेंट्रलाइज कैंप ऑर्गेनाइज किया है,
यहीं पे आपको बैठे हुए आपके आधार कार्ड के अंदर कोई करेक्शन है, कोई नाम चेंज है, कोई डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, सारा डाटा कंपनी से कोटक महिंद्रा के बैंक के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ में हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। लोग आएंगे यहीं पे काम हो जाएगा और बाई पोस्ट आपके घर पे नया आधार बन करके पहुँच जाएगा। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारी संस्था इस काम को कर रही है।